चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए देश भर में प्रत्येक समुदाय और समाज के लोग पूजा प्रार्थना और दुआ कर रहे हैं। इसी कड़ी में विश्व विख्यात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर सैयद हाउस की मस्जिद में हुई विशेष नमाज और मांगी गई दुआ। दरअसल इस समय पूरे देश और विश्व की निगाहें चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर टिकी हुई हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त की शाम करीब 6 बजे के आसपास चंद्रमा की धरती पर होगी। इसी चंद्रयान की लैंडिंग पर पूरे विश्व का ध्यान है। चंद्रयान 3 की सुरक्षित एवं सॉफ्ट लैंडिंग की कामना के लिए अलीगढ़ में मुस्लिम समाज के लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की सर सैयद मस्जिद में विशेष नमाज अदा की और साथ ही दुआ भी की। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश की तरक्की के लिए चंद्रयान 3 की सफलता को ज़रूरी बताया। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि चंद्रयान 3 की सफलता देश को एक नई तरक्की की ओर ले जाएगा। हमारा नाम मोहम्मद आरिफ। आरिफ साहब, आज आपने किस सिलसिले में यह दुआ करवाई है? हमने दुआ इस सिलसिले में कराई है कि चंद्रयान 3 की जो कल सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है तो अल्लाह ताला उसमें खैर के असबाब मुहैया फरमा दे और हमारे मुल्क की तरक्की के असबाब उसके अंदर हों और कामयाब हो। तो इसमें खैर और तरक्की, आफियत, इन सब चीज़ों की दुआ मांगी गई है और हमारे जो मुकदी हजरात हैं इन सब ने भी ये दुआ मांगी। देश की तरक्की में देश की हर चीज़ में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुसलमान हर जगह जिस तरीके से भी हो सकता है अपने देश के लिए करता है और हम सब की यही दुआ है और यही हम लोगों का जो मकसद था अभी नमाज का वो यही था कि उस सात खैरियत के उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो और हमारा देश तरक्की के लिए। कौन सी मस्जिद है ये? मस्जिद SS हाउस है, AMU सर सैयद हाउस।